से भरपूर यहाँ की भूमि है, जो अन्न उगाता है और यहाँ की धरती में खनिज संपदा भरपूर है। आयरन ओर से लेकर बॉक्साइट के लेकर गोल्ड और डायमंड तक है, सिर्फ इसको सजाने और संवारने की आवश्यकता है। और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाते, जो एक छोटे से गांव से हम आते हैं, मेरा छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी से आग्रह होगा कि समय समय पर आप लोगों का भी मार्गदर्शन मुझे मिलता रहेगा, तो निश्चित रूप से इस छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में बहुत सहूलियत होगी। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इस कहावत को चरितार्थ करने में सफल होंगे और छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी आगे भी इसी तरह का काम करता रहे। निश्चित रूप से आज के इस दिवस के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने पिछले साल 9 जनवरी को, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया और इस वीर बाल दिवस को पिछले साल से मनाना शुरू किए। इस साल बहुत व्यापक स्तर पर इसको मनाएं और हम समझते हैं कि आगे आने वाले सालों में और इसकी व्यापकता बढ़ेगी और आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो साहबजादे, 4 साहबजादे हिंदुत्व के लिए कुर्बानी दिए, इसको याद करते रहेगी। और सर, छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने पुरस्कृत किया है हमारे बच्चों को। पुरस्कार भले छोटा हो, लेकिन पुरस्कार पुरस्कार होता है, लोगों का मनोबल बढ़ाता है। तो मैं भी छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से आज की इस अवसर में चारों बच्चों ने, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया है, उनको 50,000 रुपये पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा करता हूं। और आज इस अवसर पर आप सभी लोग यहां पर आए, छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी के सबका मैं एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। न केवल ये बच्चे